नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय तमाम तरह के बयान चर्चा में हैं, पर ना जाने क्यों इन बयान से पब्लिक का कोई नाता नहीं है। जनता के जो मुद्दे हैं उन पर कोई बयानबाजी नहीं आ रही है। हाँ, धार्मिक बयानबाजी चरम पर है। कोई भी मामला रहता है उस पर धार्मिक बयानबाजी जरूर होती है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार अपने बयानों से चर्चा बने रहते हैं, और वो बयानबाजी होती है धार्मिक। हमने से पहले भी देखा है कि तमाम तरह के बयान दिए जाते हैं और उस पर माहौल गरमाया करता है, पर उन बयानों का कोई औचित्य नहीं निकलता है, क्योंकि जिस पार्टी में वो होते हैं ना, वो पार्टी उन बयानों को रोकने का प्रयास करती है, और ना ही सामने वाली पार्टी या सामने वाला जो समुदाय है जिसको लेकर ये बयान दिए गए हैं वो भी कोई महत्वपूर्ण कदम उठाता है। और जब यहाँ पर भय नहीं होता है, दंड नहीं मिलता है, तो यहाँ पर जो प्रक्रिया है बयानबाजी की, भद्दे बयानों की, वो चलती रहती है, चाहे किसी के भावनाओं को, श्रद्धा को, भक्ति को नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, हम बयान देते रहेंगे। फिर यहाँ पर बयानवीर स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, ने बयान दिया है, और बयान इस बार था दिवाली को लेकर। ये बयान दिवाली के पटाखों लेकर नहीं, बल्कि बयान दिया गया था माता लक्ष्मी को लेकर। उन्होंने कहा था कि हम देखते हैं कि आज के समय में जो संतानें पैदा होती हैं वो दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान, एक नाक के साथ पैदा होते हैं, पर माता लक्ष्मी उनके चार हाथ थे, ये संभव कैसे है? और हमारे लिए तो हमारे जो हमारी धर्मपत्नी है, वही देवी है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी को बोलना कि ये संभव नहीं है, उनके चार हाथ, इस तरह के जो बयान हैं वो यहाँ पर बयान निश्चित रूप से मामले को गर्मा देते हैं। ये तो माहौल दिवाली का। बुद्ध दिवाली जो हिंदुओं के महत्वपूर्ण त्योहारों में एक है, बुद्ध दिवाली जो पूरा देश मनाता है, बुद्ध दिवाली जिसको जाति धर्म को छोड़कर सभी लोग मनाते हैं, बुद्ध दिवाली जिसमें फटाखे फोड़े जाते हैं, बुद्ध दिवाली जिसमें दिए जलाए जाते हैं, बुद्ध दिवाली जो एक लंबे समय से हमारे देश में मनाई जाती रही है, भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास और रावण वध करके लौटे थे तो उनके खुशी में यहाँ पर दिवाली मनाई गई थी। और दिवाली के बाद से लगातार ये प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है और युगों युगों से लगातार चलती चली आ रही है, और हम सभी इस महत्वपूर्ण त्यौहार को बड़े ध्यान से और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पर इस त्यौहार को मनाने को लेकर जो एक अलग व्यवस्था है उसको लेकर जिस तरह से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, वो बयान यहाँ पर देखने वाला है। कारण क्या इस तरह के बयानबाजी का, कि इसके पहले तमाम तरह के, कभी हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान देते, कभी रामचरण मानस को लेकर बयान देते हैं, आखिर बयानों की जरूरत क्या है? जनता के मुद्दे, रोटी कपड़ा और मकान पर ये बोलने से कतराते हैं, पर हाँ धार्मिक बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं, और लगातार इनको लेकर भी कटाक्ष आने शुरू हो गए हैं। जहाँ तरह संजय निषाद ने कहा है, जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने कहा है कि ये पागलपन है, उनको पागलखाने में भर्ती करा देना चाहिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता IP सिंह ने भी कहा है कि आपकी सांसद, आपकी बेटी सांसद भाजपा की, वो पूरा पूजा भाव भक्ति करती है, वो आप इस तरह के बयान कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान मत पहुंचाइए। तो ये समाजवादी पार्टी के अंदर की प्रक्रिया है, पर प्रतिक्रिया के साथ साथ यहाँ पर ये भी देखना है बयान जरूर क्या है, और अगर बयान दे रहे हैं तो ऐसे बयानों के लिए क्या उकसाया जा रहा है, अगर उकसाया नहीं जा रहा तो रोका क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इन तरह के बयानों से केवल और केवल हमारा आपसी सौहार्द भी खराब होता है, और हमारे देश की जो आस्था है लोगों की, उसको ठेस भी पहुँचती है। फिर कुछ चर्चा करते हैं, और इस चर्चा के पहले इस कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी जी एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं जो एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में जानी जाती है, जो गरीबों का हक लूट करके खा जाने का काम करती थी। और श्री राहुल गांधी जी की अब समस्या यह है कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान या तेलंगाना या मिजोरम के लोग तो छोड़िए, उनके कांग्रेस पार्टी के लोग ही उनको नेता नहीं मानते, उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेते। केशव प्रसाद मौर्य ने इनके बयान पर अपनी राय दी, क्योंकि इस तरह के बयानों की आवश्यकता क्या है, क्यों ये बयान दे रहे हैं, उन बयानों के लिए जरूरत क्या है, क्योंकि ये बयान पहली बार नहीं है, इसके पहले भी तमाम तरह के बयान दिए हैं। महिला का सम्मान दिखा रहे हैं, अपनी बीवी का सम्मान दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरह से माता लक्ष्मी को लेकर उन्होंने कहा कि ये संभव ही नहीं है कि चार हाथ वाले बच्चे पैदा हों, या माँ लक्ष्मी कैसे हो सकती है, जब चार हाथ वाले बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं तो फिर लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? अगर आप लक्ष्मी की पूजा करना ही चाहते हो तो अपनी घरवाली की पूजा और सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि और देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है।
तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद का मौर्य का बयान आया, और बयान के बाद यहाँ पर प्रतिक्रिया बताती है कि इन बयानों को लेकर फिर जो चर्चा है वो बड़ी हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दर बयान देते जा रहे हैं पर उनको रोक कोई नहीं रहा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इन बयानों का तात्पर्य क्या है, वो क्या साबित करना चाहते हैं, बयानों से पीछे उनकी क्या मनसा, ये भी स्पष्ट नहीं है। पर हाँ, उनकी बयानबाजी लगातार होती चली आ रही है। आप किसका सम्मान करते हैं अपने परिवार में, किसको किस रूप में पूछते हैं, ये आपका निजी राय है। पर आप उस निजी राय को चलते हुए आप किसी देवी का, किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकते। और शायद हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर अपमान होता जा रहा है, उसके बावजूद दंड नहीं मिल रहा है। हिंदू धर्म सम्मान, त्याग का और प्रेम का धर्म है, इसलिए यहाँ पर जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर ये प्रतिक्रिया की जा रही है, तो यहाँ पर अब भी नहीं। क्या आपको लगता है, ये भी प्रश्न है कि अगर ये प्रतिक्रियाएँ किसी और धर्म को लेकर होती तो यहाँ पर बवाल बड़ा हो सकता था, पर ना जाने क्यों यहाँ पर प्रतिक्रिया हो जाती है और उस प्रतिक्रिया पर कोई बयान भी नहीं आता है और उनको रोकने का प्रयास भी नहीं होता है। क्या सोची समझी नीति है, या वास्तव में जो संजय निषाद ने कहा है वो एक अलग सच है, या वास्तव में इस तरह की नीति के माध्यम से कुछ अलग ही एजेंडा साधा जा रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पहले बसपा में थे, उसके बाद भाजपा में गए, भाजपा के बाद यहाँ पर समाजवादी पार्टी में चले गए और राष्ट्रीय महासचिव हैं। और जिस तरह से ये बयान देते हैं, उसके बाद ये भी हमने लगातार देखा है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर यही बोलते हैं कि निजी बयान, इसके पहले भी उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए हैं। तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा था ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर व्यक्तिगत बयान है तो फिर यहाँ पर उस पर रोक के प्रयास पार्टी नहीं करेगी। अगर इनके बयान ऑफिशियल है तो पार्टी को रोकना पड़ेगा। पर यहाँ पर जिस तरह समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने समय समय पर कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के की मुखिया अगर इस पूरे मामले पर मौन बने हुए हैं तो मौन को सहमति माना जाए या कुछ अलग तरह का विचार माना जाए, या माना जाए कि अभी जो है बयानों का घड़ा बड़ा नहीं है, यानी अभी कुछ और बयान के बाद फिर यहाँ पर बड़ा फैसला हो सकता है। अब फैसला यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, या ये मौन ये अपने आप में एक सहमति है, या व्यक्तिगत बयान कह कहकर इन बयानों से पल्ला झाड़ा जाएगा, या कुछ अलग ही एजेंडा यहाँ पर सेट किया जा रहा है, या जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव जानबूझ के यहाँ पर बयानों को बढ़ावा दे रहे हैं और एक नीति के तहत अखिलेश यादव लिखते हैं जो बोलते हैं भाई स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों में यहाँ पर कटाक्ष करते हैं। अब सच्चाई क्या है ये स्वामी प्रसाद मौर्य जानते होंगे, या जनता जनार्दन भी जानती है कि आखिर बयान क्या है और बयान के पीछे सच्चाई क्या है। पर फिलहाल यहाँ पर इस बयानों से जो चुनावी मंच हैं वो यहाँ पर गरमाए हुए हैं, क्योंकि इस तरह के बयान से जब भी राजनीति होती है वो राजनीति लंबे समय तक होती रहती है, और यहाँ पर जनता के मुद्दों पर भले ही लड़ाई ना हो पर इस तरह के मुद्दों पर चर्चाएं बड़ी हो जाती हैं और सभी पार्टियां इन चर्चाओं में अपने आप का फायदा ढूंढना शुरू कर देती हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। यही महत्वपूर्ण चर्चा विषय है हमारे साथ कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान क्या नीति और क्या पहचान, या ये कोई है समाधान। महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भाजपा से यहाँ पर देवी श्रीवास्तव पर सकेंगे, रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से अपनी राय देंगे, गजेंद्र पाठी विशेषज्ञ रूप में अपनी राय देंगे, प्रवक्ता रालोद के रूप में यहाँ पर रंजीकर मिश्रा जी अपनी राय देंगे, और हिंदू महासभा से उनके प्रवक्ता महादेव बाबा अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता सपा से, रविंद्र भाई पहले भी बयान आए और बयान पर यही कहा गया कि ये उनके व्यक्तिगत बयान है, तो बयान देते रहेंगे और व्यक्तिगत बयान बोलकर पल्ला झाड़ती रहेगी पार्टी, ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलेगी क्या? और सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि यहाँ पर जानबूझ के इन बयानों को लिए उकसाया जा रहा, बयान दिलवाया जा रहा, जो अखिलेश जी बोलते हैं वो बयान यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य देते हैं। और तीसरी बात, सपा प्रमुख का जो मौन है वो मौन यहाँ पर कुछ विचार करने को लेकर है, या सहमति है कि बयान देते रहिए और चर्चाओं को बढ़ाते रहिए? देखिए, किसी किसी के धर्म पे भी उंगली उठाना, आक्षेप लगाना जी, धर्म के प्रतीकों पे जी, और उनकी मान बिंदुओं पे आक्रमण करना जी, या धार्मिक रूप से ही गलत नहीं है, संवैधानिक रूप से भी गलत है जी।
इसकी शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, क्या बात। मैं ये भी कहूंगा कि भारतीय जनसंघ के टाइम में ऐसा नहीं था। अच्छा, इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया जी, और तब से धर्म राजनीति में घुस गया। अच्छा, अगर हम अपने धर्म और आध्यात्मिक पुस्तकों को भी माने जी, ग्रंथों को भी माने जी, और अपने संविधान को भी माने जी, तो धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो आधार है धर्म पर है। अच्छा, एक सवाल उठता है, मैं जो जिस तरफ आप इंगित कर रहे हैं जी उसके साथ मैं नहीं खड़ा हुआ हूँ। लेकिन एक सवाल उठता है, जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जी प्रभु श्री राम को अवैध संतान कह देते हैं जी, माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कह देते हैं जी, और रुद्रावतार बजरंग बली को दलित कह देते हैं, तब ये प्रश्न समाज में क्यों नहीं खड़ा होता है या टीवी चैनलों पे क्यों नहीं खड़ा होता है? बिल्कुल, ये तभी खड़ा होता है जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं जी, सिर्फ मैं अभी भी कह रहा हूँ उस बयान के साथ में नहीं हूँ जी, क्योंकि कोई अपने अपने ईश्वर को अपने देवता को किस स्वरूप में मानता है जी, ये किसी का अधिकार नहीं है कि उसकी निंदा करे वो जी। बहुत बहुत जगह हम पत्थरों को भी पूजते हैं, तो किसी का ये अधिकार क्षेत्र नहीं है कि हम पत्थर को पूजते हैं तो उसपे प्रश्न लगा दे वो। बिल्कुल, बहुत जगह हम पेड़ों को पूजते हैं, हम कुत्ता भी पूजते हैं, हम सांप भी पूजते हैं। बिल्कुल पूजते हैं, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है कि उसमें प्रश्न लगा दे। अच्छा, तो लेकिन बात यह है कि तो जब बात ऐसी उठे जी आध्यात्मिक विश्वासों पे जी, अगर प्रश्न उठे तो दोनों पक्षों का उठना चाहिए। अच्छा, खाली खाली ये कह दे कि अखिलेश जी कह देते हैं तो फिर जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा बजरंग बली जी के ऊपर वो किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था जी, या जो संजय निषाद ने जी प्रभु श्री राम को कहा वो किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था। क्या बात, या जो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने माता सीता पे कहा वो किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था क्या जी? तो दोनों तरफ की बातें होनी चाहिए और ये प्रक्रिया ही गलत है। ठीक है, दोनों तरफ किसी को नहीं होना चाहिए जी। और मुझे लगता है जैसे टीएन सेशन साहब ने अपने टाइम में कानून को मजबूत किया कि हम चुनाव चिन्ह किसी जानवर का भी नहीं देंगे जी, तो इस चुनाव आयोग को कठपुतली से बाहर निकल के ये कहना चाहिए जो धर्म का प्रयोग राजनीति में करेगा उसको हम प्रतिबंधित करेंगे, तब जाके इस पे रोक लगेगी। नहीं, ये प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ऐसे चलवाती रहेगी। रमेश भाई, मेरा सवाल है, तुम दाल दाल में पात पात, चलिए आपने माना, आपने कहा, उन्होंने कहा, मैंने भी सुना है, कोई दो राय नहीं है, जिन बयानों की चर्चा आप कर रहे हैं मैंने सुना है, पर यहाँ पर अगर उन्होंने कहा है आप भी वही कर रहे हैं तो आप अलग कैसे हैं? अगर वो लगातार बयान दे रहे हैं तो यहाँ पर रोक भी लगनी चाहिए। केवल व्यक्तिगत बयान कहकर पल्ला झाड़ना कहाँ तक सही है? अगर वो उन्होंने कहा है तो वही पटकथा पर आप भी चल रहे हैं, तो एक कोई पार्टी तो हो जो उसको लेकर अपने आप को एक नज़ीर पेश करे कि नहीं, इस तरह के बयानबाजी नहीं होगी। क्या उम्मीद कर सकते हैं समाजवादी पार्टी से ऐसे स्टेटमेंट की? जी देखिए, मैं प्रवक्ता के रूप में खुद ही कह रहा हूँ कि मैं उस बयान के साथ में नहीं हूँ, और मैं कहता हूँ कि इस पे चुनाव आयोग को बहुत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए। अच्छा, और उन पार्टियों को जो धर्म का सहारा ले रही हो, अच्छा, उनको जरूर प्रतिबंधित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बजरंग बली, प्रभु श्री राम, ये चुनाव के मुद्दे नहीं है, ये मतदाता के मुद्दे नहीं है, ये आध्यात्मिक मुद्दे हैं। यहाँ पार्टियां सारी धर्म का सहारा ले रही हैं, समय समय पर यहाँ पर सब सहारा लेते रहते हैं, कोई पीछे नहीं है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो। खैर, मैं यहाँ पर जवाब लेता हूँ प्रवक्ता भाजपा से। भाई रमन भाई ने अपनी बात को यहाँ पर कहा, उसके पहले सवाल आप पे उठा दिया कि आपके नेता भी यहाँ पर तमाम तरह के बयान दिए हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और इसमें वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं, और आपके कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है कि इस तरह उन्होंने भी तमाम तरह के बयान दिए हैं, तो यहाँ पर बयानों की जो श्रृंखला है वो बोल रहे हैं कि आपके द्वारा शुरू हुई है, पहले उन्होंने गेंद आपके पाले में डाल ली, जवाब आपको देना है, फिर कटाक्ष करिएगा, पहले उनके सवाल का जवाब दीजिए, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य पे आइए। जी देखिए, गौरव जी, रवीन जी बार बार वही बातें करते हैं जिसके हम बहुत बार जवाब दे चुके हैं। अच्छा अच्छा, उनके इन भोसे तर्कों से ये विषय नहीं होता। अच्छा,
कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं उस पे वो बोलने से बचते रहे। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातन संस्कृत पे कुठाराघात की आदत पड़ चुकी है। अच्छा, और उसी कुठाराघात से जब कोई साधु संत द्रवित होकर के कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई की बात करता है, कोई अपने तरीके से उनको डांटने टपटने की बात करता है, तो पूरी समाजवादी पार्टी बिलबिलाने लगती है। अच्छा, उसको तमाम उसके बाद जवानी के बाद राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है। इसमें अगर हम कहते हैं कि अखिलेश यादव का इसको संरक्षण है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, जब उसके उस बदजुबानी की बात आती तो रविंद्र जी इसी तरह की बातें लेके चले आते हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ऐसा मत कहिए भाई, जो बयान उन्होंने कहा सुना मैंने भी है, ऐसा मत कहिए। जो भी बयान उन्होंने कह रहे हैं, चाहे हनुमान जी की बात हो, योगी आदित्यनाथ जी इसके बयान पे तमाम चर्चाएं हो चुकी जिसमें स्पष्ट किया जा चुका है कि कहीं से ऐसी कोई बात नहीं हुई। जी, इसी तरीके से जिसको संजय निषाद जी की जिस बयान की बात कर रहे हैं वो इनके संगत में रहते हुए दिया, भारतीय जनता पार्टी के संगत में रहते हुए उस तरह की बयानबाजी कोई नहीं करता। अच्छा, कोई नहीं करता। अच्छा अच्छा, नरेश अग्रवाल ने भी इन्हीं की संगत रहते उस तरह की बदजुबानी की थी। वो बयान तो मुझे आज भी याद है। तो संगत से गुड़ हो तो संगत से गुड़ जात। अच्छा, यही 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 न्योला जब हमारे यहाँ था तो राम राम जब रहा था। न्योला है ये, कौन सी शब्दावली है भाई? वो खुद हम नहीं कहते, खुद अपने आप को न्योला बताता, हम तो उसको सुंदर कहते हैं। अच्छा, सुंदर कहते हैं। अच्छा हाँ, वो तो जहाँ जाएगा दुर्गंध फैलाएगा। अच्छा, वो तो न्योला नाम दूसरे स्वयं अपने आप को दिया, हम तो नहीं दे रहे हैं कि रविंद्र जी नाराज हो जाए। अच्छा, न्योला नाम दूसरे स्वयं अपने आप को दिया, उस नाम पे तो कोई कटाक्ष भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये नेवला हम तो उसको सुंदर कहते, हम तो उसको नेवला भी तो नहीं। यहाँ पर तो यहाँ पर सीता माता को दिए गए बयान को लेकर, संजय निषाद द्वारा दिए बयान को लेकर आप कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए यहाँ पर सीधे रविंद्र भाई को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की याद दिला रहे हैं। देखिए, जो जिन 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 बयानों की चर्चा कर रहे हैं उस पर तमाम चर्चाएं हो चुकी है। अच्छा, आज इन सारी चर्चाओं का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, अगर किसी देखिए सारे बातों पे प्रतिक्रिया आ चुकी है। अच्छा, नरेश अग्रवाल ने जब बयान दिया तब वो भाजपा के सदस्य नहीं थे। अच्छा, अच्छा। संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से जो हनुमान जी की बात करते हैं वो एक उतर्क करते हैं, उस बयान को आप फिर रिप्ले करके देख लीजिएगा। मैं चर्चा उसका जवाब देने की स्थिति में हूँ। अच्छा, कि कभी योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी के लिए कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जी, और ये लोग केवल बात को घुमा फिरा करके स्वामी प्रसाद मौर्य को बचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सत्यता ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य से सारी बदजुबानी अखिलेश यादव जी करा रहे हैं। अच्छा, आपको दर्द हो रहा है क्या? हमें बहुत दर्द है। कार्रवाई कर लीजिए, रोक रखा किसी ने क्या आपको? कार्रवाई करिए बिल्कुल, तमाम उसके बदजुबानी की छोटी-छोटी कार्रवाई पे आप छोटी-छोटी कार्रवाई बड़ी कार्रवाई कर दीजिए, कर लीजिए कार्रवाई। सनातन धर्म में इतना कटाक्ष किया जा रहा है, किसने रोका? देखिए देखिए गौरव जी सुन लीजिए, सुनाइए। उसके ऊपर मुकदमे भी कायम है, इतना भी चल रही कार्रवाई भी हो जाएगी। चलिए, मुकदमे लिखाने तक हमारा अधिकार है, बाकी काम विवेचक और अदालत का होता है। ऐसा थोड़ी अदालत से बच पाएगा। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं प्रवक्ता रालोट को लूंगा। रजनीकांत जी, क्या राय है आपकी? रविंद्र भाई की बात सुनी आपने और विवेक श्रीवास्तव की राय दी, आपकी क्या राय है? देखिए, बयानों को लेकर मैं पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान की निंदा करता हूँ जी। ये धर्मनिरपेक्ष देश है जी, बिल्कुल, जो सबसे पहले कहा गया कि इस देश में सभी धर्मों का सम्मान, बिल्कुल, और लोग अपने धर्म को माने और दूसरे के धर्म का सम्मान करें जी, ये हमको सिखाया गया है जी। पहली चीज, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने फोटो भी देख रहा हूँ, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बौद्ध धर्म को मानते हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है ठीक, क्योंकि फोटो पर भी अंबेडकर जी के उस पर और एक मूर्ति रखी हुई भगवान बुद्ध की। अच्छा अच्छा, पहली बात तो उन्हीं के अनुयायी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुद्ध जी ने भी कभी ये नहीं कहा कि आप इस तरह की बातें करें, सही बात, और इस तरह के बातें बयान दें और इस तरह का काम करें, अपमान कर, सही बात। तो इसलिए मैं तो कहूंगा इनका दिमागी दिवालियापन है। लीजिए बड़ा स्टेटमेंट, दिमागी दिवालियापन। और मैं रविंद्र भाई की बात से एक चीज से सहमत हूँ जी, कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। जैसे अभी विवेक जी ने कहा कि इस पर चर्चा हो चुकी, टेस्टी बेबी और दलित और इस पर चर्चा हो चुकी, नहीं, जब इस तरह की बातें आएंगी तो चर्चा होगी, फिर होगी चर्चा, क्या बात, तब चर्चा होगी विवेक भाई, इस बात पर चर्चा होगी, आप भी बच नहीं पाएंगे। और ये चीजें जो रविंद्र भाई ने कहा कि इसकी शुरुआत आपने करा दी, अब हमें तो लग रहा कौन सा प्रयोजन है स्वामी प्रसाद मौर्य का, कहीं आपसे तो अपलेटेड नहीं है। लीजिए
इस तरह की बात कर रहे हैं, उनकी बेटी आपके दल में है, और कौन कहता है कि अपनी पत्नी का सम्मान न करिए जी। ये तो हमारी संस्कृति ने सिखाया, जब घर में शादी हो क्या सब लोग कहते हैं भाई घर की, तो पहले उसकी पूजा होती है और उसके पैर को लक्ष्मी का पैर मान के रंगों से रंगा जाता है। बिल्कुल सही बात, घर में रंगा जाता है। ये कौन सी आप नई परंपरा दिखा रहे हैं, मैंने फूल माला पहना दिया। तो दो तीन चीज मेरे समझ में आती है, या तो स्वामी प्रसाद महाराज जी थक चुके हैं, अच्छा थक चुके हैं, वो 80-20 की बात करके भी थक चुके हैं, अच्छा वो पिछड़ों के नेता भी नहीं बन पाए, अच्छा वही उनको करना चाहिए था जी, अभी अगड़ा पिछड़ा की बात चल रही थी वही करते जी। तो वो टीवी में बने रहने के लिए चैनल पे मीडिया में सुर्खियों में बने रहने की वाहियात टाइप के ये गंदे गंदे बयान। मैं पर आपने यहाँ पर ये भी कहा प्रोफेसर अलोट की वो बीजेपी से एफिलिएटेड है, इसलिए लगता है अच्छा जुड़े, क्योंकि इसका फायदा तो नहीं को है ना। यहाँ पर इस तरह से आरोप लग रहा है कि और बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं बता रही है उनको, नहीं नहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ना। अच्छा बीजेपी कार्रवाई नहीं कर, अच्छा बीजेपी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? अच्छा, अगर संविधान में है कि किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए तो ये सरकार के लोग उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? बहुत अच्छी बात कही, कार्रवाई नहीं कर रहे, बड़ा प्रश्न यहाँ पर बीजेपी। तीसरी बार है ये जी, तीसरी बार है से लेके और आज तक के, आपको लगता है कि बीजेपी करवा रही है? मैं तो कहूंगा इसलिए कहूंगा कि इसमें संदेह हो रहा है, संदेह हो रहा है क्यों आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। मैंने जब एक बार जब राजू दास ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर लाएगा उसको मैं 25 करोड़ रुपए दूंगा जी, मैं आपके चैनल पे भारत समाचार में बैठा था जी, मैंने कहा कि राजू दास को भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि वो कैसे हाथ मिलेंगे कानून को जी, और स्वामी प्रसाद मौर्य की भी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए जी, वो कैसे किसी धर्म के पुस्तक पर टिप्पणी कर सकते, पहले धर्म टिप्पणी पे क्यों कर सकते हम, पहले कैसे कर सकते, पहले ही अपने देश में अपने प्रदेश तो इस तरह की बातें न करें। ठीक, दूसरी चीज जिसके आप अनुयायी उसी को नहीं मान रहे। ठीक, बुद्ध ने तो इतनी शांति की बात की, इतनी तरह की बातें की, सबको सिखाया, आप उन्हीं के अनुयायी नहीं है। कुल मिला के दो चीजें लगती हैं कि या तो कहीं सप्लेटेड है, और दूसरी चीज यह है कि ये अपने आप को मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए उठपटांग बातें। ठीक, महादेव बाबा हिंदू महासभा से, महादेव बाबा क्या माने, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से प्रवक्ता राहुल ने बड़ी बात कही है कि या फिर बीजेपी जुड़े हुए अंदर ही अंदर और बीजेपी के अनुसार यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठता है कि बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, कि लगातार वो सनातन धर्म को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, बड़े बड़े बयान उन्होंने दिए हैं, कभी धार्मिक ग्रंथों को लेकर, कभी यहाँ पर देवी देवताओं को लेकर। दूसरी बात, प्रोफेसर मौर्य के बयान को लेकर सपा प्रवक्ता ने भी कहा है कि इस तरह बयान जरूरत नहीं है, पर ये बयानों की शुरुआत बीजेपी की है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इन तरह के बयानों को लेकर? मैं बाबा अशुतोष सांबर जी महाराज जी चरणों प्रणाम करते हुए जी और सबको जय श्री राम कहते हुए एक बात कहना चाहता हूँ जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी राजनीति से प्रेरित होकर आए दिन उनके पास कोई सामाजिक, कोई इतना बेरोजगारी है या समाज में समस्या है, महंगाई है, कोई भी और चीज हो, उसको मुद्दा ना रख के सिर्फ उनको एक चीज है कि वो अगर वो जानते हैं कि और मुद्दे छेड़ेंगे तो कोई लाइमलाइट में नहीं आएंगे, वो ऐसा मुद्दा पकड़ते हैं। और ये अभी ये बयान नहीं, अभी बहुत जल्द ही उनके पेट में मरोड़ होगा, फिर कुछ ऐसा बयान देंगे, फिर ऐसा बयान देंगे, राजनीति से प्रेरित। और मैं एक बात और है, ये कार्य जो करते हुए मैं इनके बारे में एक अनुभव मुझे हुआ, मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले बहुत जरूरी मुद्दा छूट रहा है जी। वो इस प्रकार के टीवी में बने रहने के लिए ये मुद्दे देते रहेंगे राजनीति, और कोई भी पार्टी राजनीति से ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बहुत गलत मैसेज जा रहा है जो सब इसमें भ्रमित है। अच्छा, अभी हमने सुना हमारे भाई जो बहुत बुद्धिमान है जी, रविंद्र जी हैं जो भी भैया उनका नाम जो भी है सपा से, उन्होंने उन्होंने एक बात कहा जी, कहा कि धर्म का राजनीति में समावेश नहीं होना चाहिए जी। मैं इतनी बड़ी अज्ञानता है, सबकी अज्ञानता, मैं अगर आपको समय हो नेट पे आप खोलिए जी, ये धर्म निरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष लिखा है वहां पे जी, पंथ निरपेक्ष। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि व्हाट इज द रिलीजन, धर्म क्या है ना, तो उन्होंने कहा रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, रिलीजन इज वन बट सेकर्मिनी, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना ही धर्म है, धर्म एक है और संप्रदाय अनेक है, संप्रदायवाद नहीं होना चाहिए जी। लेकिन एक बात बताइए, अगर बार बार ये कहा जाता कि धर्म का राजनीति में प्रवेश ना हो, तो हम इसका मतलब है कि क्या हम अधर्म सापेक्ष हो जाएं जी? अगर धर्म निरपेक्ष है तो अधर्म सापेक्ष हो जाए, अधर्मी बन जाए,
और धर्म के मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए गए, धृति क्षमा दमोस्तयम शौच इंद्रिय निग्रह द्रिविद्या सत्यम अक्रोध है, 10 धर्म लक्षण, धैर्य क्षमा इंद्रियों का संयम मन वाणी कर्म एकता उत्तम विद्या अक्रोध संतोष और पवित्रता इत्यादि 10 दिव्य गुण है जो ईश्वर को देखकर और ध्यान करने से प्रकट होते हैं जी। लेकिन अगर ये सारे गुण हैं जो समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं, लेकिन इसके विपरीत जो अधर्म के गुण हैं, पाप अनाचार अन्याय व्यभिचार चोरी घृणा द्वेष ये है, तो आप जब बार बार कहते हैं धर्म का राजनीति में प्रवेश ना हो, तो किसका मतलब, क्या अधर्म का प्रवेश कराना चाहते हैं? अच्छा। और यदि आप ऐसा कराना चाहते हैं तो आपकी मनसा बहुत गलत है। अच्छा। और आप बिल्कुल टोटली रॉन्ग है आप लोग। इसलिए आप पहले धर्म को जानिए। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवत गीता का आप विरोध कर रहे हैं, श्रीमद भगवत गीता के 18वें अध्याय के सबसे अंत में एक श्लोक का है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत् श्री विजो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, अर्जुन जैसा शिष्य है, वहीं पर अचल नीत है, विभू श्री है, वहीं धर्म है, वहीं सर्वस्व है जी। तो जहां पे भक्त और भगवान, ईश्वर जीव और ब्रह्म, जहां परमात्मा की जय है, उसका ध्यान है, आराधना है, अंतर में दर्शन करके निरंतर ध्यान है। और राजनीति में धार्मिक व्यक्ति ही चाहिए। इवन की विवेकानंद जी कहते हैं अगर कोई अधर्मी अधार्मिक व्यक्ति है, यानी कि अज्ञानी व्यक्ति है, तो उसको गद्दी से उतार दो और आत्म ज्ञानी को राजा बनाओ। तो आप क्या तो कहना चाहते हैं हमारे बाबा जी की धार्मिक व्यवस्थाएं राजनीति में आ जाए, यानी राजनीति में जनता के मुद्दे छोड़कर, जनता के मुद्दे छोड़कर धार्मिक बातें करेंगे जी। अब धार्मिक बातें अब सुन लीजिए। हाँ। धर्म होगा तो अब सुनिए धर्म क्या हो। धर्म होगा हाँ। तो सबके प्रति, जब ध्रुव बने राजा, प्रहलाद बने राजा जी, जितने भी हमारे देश के चक्रवर्ती सम्राट बने जो धार्मिक थे। अच्छा। तो जब वो धर्म धार्मिक थे और उन्होंने धर्म की राजनीति की, तो उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। अच्छा। जब परीक्षित थे, कलिकाल आया, तो वहां पे ना शराब नहीं था, मांसाहार तो नहीं आप था, धर्म के जो यहाँ पर अधिक गुण बता रहे थे, युवा नहीं था, 10 गुण आप बता रहे थे, तो आपको लगता है कि वो राजनीति में संभव हो पाएंगे? यहाँ पर हम धार्मिक बयानबाजी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम तो एक बात और है, तो अभी नहीं, वही बात है, वो बात उस पर बयानी, लेकिन जैसे अभी सुन रहे थे कि धर्म ही नहीं होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हाँ, धार्मिक रूप से जो किसी देवी देवता पर, किसी धर्म के अनुयायी पर, किसी धर्म के जो जिनको माना जाता है उन पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण मुद्दा आज का। और आज मैं एक बात और कह देता हूँ, बोल दीजिए आप। बहुत जल्द ही मेरा अनुभव है, मैं महादेव बाबा अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बोल रहा हूँ जी, कि बहुत जल्द ही स्वामी प्रसाद मौर्य के पेट में दर्द उत्पन्न होने वाला है। अच्छा, लीजिए। और वो दर्द इतना बढ़ जाएगा कि डॉक्टर ठीक नहीं पाएंगे, कैंसर बताएंगे। अच्छा। और फिर कम से कम एक व्यक्ति लंबी लंबी श्वास लेके तड़फेगा, एक व्यक्ति अच्छा, और तड़प तड़प के उचक उचक के मर जाएगा। चलिए, फिर ये जाएगा यमराज के पास। चलिए, इसको उल्टा टांग के चलिए, हो गया गड़बड़ा मच रही है भाई, गड़बड़ा मच रही है, चलिए हो गया मारे बाबा भावना बह गया। ये कि जो हमारे धर्म के बारे में ये कर रहा है, इसके साथ हो लिख लीजिए, ये होने वाला है। चलिए, आपके धर्म के बारे में और लोग भी यहाँ बोले हैं, जो प्रवक्ता सपा ने पहले बता दिया है उसमें बोलेंगे कुछ। तो भाई जो और एक ऐसा नहीं है कि इसमें किसी एक बोले, अच्छा बोले थे, क्या भी गलत बोलेगा, उनके पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा? सबके पेट में दर्द होगा, जो बोले सबके पेट में दर्द होगा, जो बोले ठीक है, मैं आप रविंद्र गलत बोलेगा, चलो ठीक है, गलत बोले। और उसका गलत एक बात और है जी, जो दलित वाली बात जो कहे जी, हाँ, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर भाई हनुमान जी ऐसी आदिवासी जाति से थे, वहां से सेवा किए, तो ठीक है, ऐसी बात ही है, ऐसा उसमें कौन सी बड़ी बात है? दलित कोई पाप चीजें हैं, वो है जब वो ऐसी चले, ठीक हो गया, और उन्होंने ये किया तो चले, हो गया, चले, उस विषय को नहीं उठाए, इसमें कोई पाप ये नहीं है कि उनका कोई बुराई कर रहा है। चले ठीक, गजेंद्र पाठक जी अपनी राय देंगे। गजेंद्र भाई, विश्लेषण क्या है आपका? क्योंकि यहाँ पर विश्लेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सबने अपनी अपनी बातें कही, सबको आपने सुना, और पूर्व की जानकारी भी आपको है कि किसने क्या कुछ बयान दिए थे। यहाँ पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ राजनीति जनता के लिए हो रही है, और जनता को धार्मिक बयानबाजी नहीं बल्कि अपने मुद्दों का समाधान चाहिए। देखिए गुरु भाई जी, यह बात बिल्कुल सत्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के दिमाग में कीड़ा है, एक कीड़ा है, लीजिए। अच्छा। उस कीड़े का प्रयोग वो मीडिया में आने के लिए करते हैं, ठीक।
केवल मीडिया में कैसे बने रहें इसके लिए ऐसे बयान वो लगातार दे रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजा आ रहा है इसमें। मजा आ रहा है। बिल्कुल मजा आ रहा है, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ, और क्या। अरे नहीं तो इनको ये बताइए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कुछ भी आ जाता है, उठा करके टांग दिए जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो 2 मिनट के अंदर ला करके लाद दिए जाते हैं अभी। अच्छा अच्छा, 2 मिनट लगता है उनको जी। लेकिन लेकिन सरकार खेल रही है ना, मजा ले रही है इसमें, मजा ले रही है। सरकार तो चाहती है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस की हालात में आ जाए। अच्छा ठीक। जैसे कि कांग्रेस के साथ हुआ कि ये केवल मुसलमानों की पार्टी है। अच्छा। वैसे ही दिन आएगा कि एक दिन लोग कहेंगे कि समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों की पार्टी। अच्छा। समस्या यहाँ पे, और यह बात अखिलेश यादव जी समझ नहीं रहे अभी। अच्छा अच्छा, कि बीजेपी चाहती क्या है। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य अरे बीजेपी द्वारा ही वहां पर भेजे गए हैं, जाओ बर्बाद करो इसको। दूसरा स्टेटमेंट ये बताइए, राहुल के बारे यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ कि ये भेजे गए हैं वहां पर। अच्छा। अगर भेजे गए नहीं होते तो बीजेपी अभी तक तो इनको टांग दी होती। आपको समझ में आ रहा है, सपा प्रमुख को समझ में नहीं आ रहा क्या? बीजेपी टांग दी होती इनको अभी तक। अच्छा। ये बताइए, कोई बच्चा, कोई 18-20 साल का लड़का, कोई व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कोई मैसेज डाल देता है, ठीक है, गिरफ्तारी होती है, टांग दिया जाता है दूसरे दिन ही, और ये मौज ले रहे हैं। अच्छा। मौज लेते क्या? अभी अच्छा। तक थाने में नीचे ला करके बैठाए गए होते, ऊपर अच्छा। से उठा करके सोटे पड़े होते इनको। अच्छा। लेकिन बीजेपी अपने लाभ के लिए अरे सामान्य नहीं, मैं क्या कहता हूँ जी, देखिए सामान्य नहीं, ये बताइए है क्या वो? अच्छा है क्या? अरे बड़े बड़े नेता, इतने बड़े कुकर्म के बाद अगर वहां नहीं बैठाए जाए वो। और देखिए उसका मूल कारण क्या है, मैं बताऊं आपसे, उसका मूल कारण क्या है कि हमारे समाज में, खास करके हिंदू समाज में, अच्छा, सनातन धर्म में, अच्छा, डिबेट डिस्कोर्स होता रहता है जी। लोग इस पर सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, लिखते रहते हैं जी। हमारे यहाँ पर यह एक रूल है, आज से थोड़े ना। अच्छा। ये बताइए, एक ही मुद्दे पर हजारों किताबें हैं हमारे यहाँ, क्यों हैं जी? नहीं तो हम लोग भी एक ही लेकर के, पोथी लेकर के वहीं पर होते जी, बैठे होते, यही हमारी माँ है, यही हमारी बाप है, ठीक। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ सपा ने कुछ कहा, उसका भी चिंतन होगा, उसमें जो बेहतर होगा उससे उठा करके कुछ दूसरा आदमी बोलेगा और उसको लिख लेगा। अच्छा ठीक, यही है हमारे देश का। अच्छा। हमारे देश के जीने का तरीका, भारत के जीने का तरीका यही है। अच्छा ठीक। लेकिन अब ऐसे बयान जब लगातार आते हैं समाज में, खास करके जैसे बयान ऐसे आए हैं, ऐसे बयान यह चाहते हैं कि जनमानस रोड पे आ जाए। अच्छा। या जनता में भी ऐसे लोग आ जाएं, जैसे क्या हुआ आज प्रधानमंत्री को राजस्थान में बोलना पड़ रहा है ना कि गला काट दिया गया। अच्छा। उत्तर प्रदेश में भी बोला जाए कुछ दिन बाद, ऐसे ही होंगे बयान तो। अच्छा। कोई आएगा कहेगा लो हिसाब किताब तुम्हारा हो गया बराबर। अच्छा। तब क्या होगा? हिंदू समाज को वहां मत ला दीजिए। अच्छा। कि वो विवश हो जाए वही काम करने में। अच्छा, अच्छा। निश्चित तौर से यह होगा यहां पर, और बिना उसके हुए ये शांत नहीं होने वाला है। अच्छा। ये बोलेगा इसलिए कि यह जानता है कि हमारे माँ बाप तो बैठे हुए हैं सत्ता में। अच्छा अच्छा, कोई क्या कर लेगा हमारा? तो आप कह रहे हैं बीजेपी प्रमोटेड? एकदम बिल्कुल है। चलिए चलिए, रविन भाई आपकी बात। यहाँ पर रविन भाई भी बोले हैं, और रविन भाई आपके बयान के बाद रजनीकांत मिश्रा जी ने कहा है कि बीजेपी प्रमोटेड है, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है। और यहाँ पर गजेंद्र त्रिपाठी जो कि विश्लेषक हैं आज के डिबेट में, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रमोटेड ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर इस तरह के बयानबाजी हो रही तो रोकथाम के लिए क्यों यहाँ पर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं? जवाब आपको देना है। देखिए, वो बीजेपी प्रमोटेड है कि नहीं, अच्छा ये तो कोई नहीं जान सकता। और बीजेपी ने अगर उनको हमारे वहां भेज दिया, जैसे लोगों ने अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि प्रभु श्री राम को गाली दिया तो उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री बना दिया बाहर रह के। अच्छा। एक सज्जन ने माता सीता पे अवैध टिप्पणी कर दी तो उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया। तो या जब अब तो कर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी ये कर दिया, तो आप उनको लेके कुछ पद दे दीजिए ना बीजेपी में। लीजिए, जो टिप्पणी कर रहा है हमारे आराध्यों पे जी, उनको आप पद देते चले जा रहे हैं, तो इनको भी आप अपने में शामिल कर लीजिए। लीजिए, और कोई बढ़िया सा पद दे दीजिए उनको जी। और मुझे लगता है कि
डिबेटों में नेवला छाप स्वतंत्र ऐसी बातें करना उचित नहीं होता है। हाँ विवेक साहब बोल रहे थे भाई, नेवला बोल रहे थे, गलत बात है भाई, बे भाई आपको गलत बात है। जो हिंदू महासभा के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि धर्म और राजनीति जी, वैदिक धर्म बना ही इसी पे था। अच्छा, धर्म अलग था, राजनीति अलग थी जी। उसमें दो दो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, एक राजा होता था जो सत्ता का प्रतीक होता था, राजनीति का प्रतीक होता था जी। दूसरे राजगुरु हुआ करते थे जो धर्म का प्रतीक हुआ करते थे जी। अगर राजा कोई धर्म से विरुद्ध कार्य करते थे तो राजगुरु हस्तक्षेप करते थे जी, यह पूरे तरीके से अलग था। शुरू से ही जब वैदिक धर्म आया ही तब से अलग है, राजनीति अलग है और धर्म अलग है, इसको एक साथ नहीं लाया जा सकता है। बिल्कुल, और यही चीज हमारे संविधान में भी कही गई है, नहीं लाया जा सकता है। अगर नहीं लाया जा सकता है तो जो इसको ला रहा है उसको उसका जनता पहचान भी रही है, उसको परिणाम भी दे रही है। अच्छा, ऐसा नहीं परिणाम दे रही है कि जनता परिणाम देगी नुकसान आपका होगा ना रविन भाई, अगर जनता यहाँ परिणाम देगी तो नुकसान तो आपकी पार्टी का है ना, क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े नेता है वो, तो आपको समझना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको जी, विश्व के सबसे बड़े नेता कहने वाले व्यक्ति कर्नाटक में गए और तीन दिन तक प्रभु बजरंग बली का नाम लेते रहे राजनीति में। अच्छा, और जनता ने उनको खदेड़ के भगा दिया कर्नाटक से। अच्छा, तो जब ऐसा करेंगे, जब वैदिक परंपरा को तोड़ेंगे और राजनीति में धर्म को लेके आएंगे, क्योंकि अब तो धर्म गुरु जैसी चीज नहीं रही, हमारे चार पीठाधीश्वर हैं उनको तो महत्वहीन बना दिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने, अब कोई अंकुश तो है नहीं राजनीति में, तो जो बैठा हुआ है जो विश्व गुरु है, जब वो खुद ही अपने को सबसे बड़ा गुरु मान रहा है और जब वो प्रयोग कर रहे हैं हमारे धार्मिक प्रतीकों को, जिन जिन चुनाव में, उन सारी चुनाव में हार मिली है उनको। अच्छा, या जिन लोगों ने 1992 में वो धार्मिक प्रतीकों को, जहां प्रभु श्री राम की पूजा होती, गिराया था, आज उनकी स्थिति देख लीजिए, चाहे आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, अशोक सिंघल जी रहे। रविन भाई आपने यहाँ पर कहा कि कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर कहे और हनुमान जी की बात कही और वहां खदेड़ दिए गए, जो आपने यहाँ पर बयान दिया, आपने अपनी चर्चा की, तो यहाँ पर जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, तो क्या आप 2024 की या 2027 की अपनी पटकथा लिख रहे हैं क्या, पूछ रहे हैं से? क्योंकि हमारे बात आती है हमारे प्रमुख की, हमारे प्रमुख या जो हमारे प्रमुख के पूर्ववर्ती थे, उसके पूर्ववर्ती थे, हम लोग अपनी अपनी शुरुआत मानते हैं, राजनीतिक शुरुआत आदरणीय चौधरी चरण सिंह साहब से, वैचारिक शुरुआत मानते हैं लोहिया जी साहब से जी। ये सारे पुजारी थे और जितनी बड़ी पूजा अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने की है, 51,000 साधुओं को अच्छा दक्षिणा दिया है पिंडदान में जी, कोई भी किया हो, अभी अभी एक मृत्यु हुई मुख्यमंत्री जी के, तो आपने बताया रविन भाई, पर यहां पर जो यहां पर जवाब नहीं दिया आपने, जहां पर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक गए थे तो वहां पर खदेड़े गए, वहां पर तो यहां पर सब पता मौर्य भी आपके नेता बयान दे रहे, तो आप लोग खदेड़े तो नहीं जाएंगे 24 में 27 में? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जब हमारे जो पार्टी प्रमुख हैं, जब खुद ही इतने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, हाँ, तो हमारे वहां तो कुछ होने ही नहीं जा रहा है, हम तो बड़े ही हैं। अच्छा, हम तो 6 बार प्रदेश की सत्ता में रहे हैं। अच्छा, 2 बार केंद्र की सत्ता में सीधे रहे हैं, 2 बार केंद्र की सत्ता को सपोर्ट किया है। क्या बात है, लेकिन कभी भी धर्म का सहारा नहीं लिया। अच्छा, और ना कभी लेंगे। तो ये क्या सहारा है फिर, ये कौन सहारा है? ये तो जो व्यक्ति दे रहे हैं उनसे आपको पूछना चाहिए एक बार। अच्छा, उन्हीं को डिबेट में बुलाना चाहिए था। अच्छा, और उनके बयान को लीजिए, तो कुल मिला के बयान से आप अपने आप को अलग करते हैं, पार्टी को अलग करते हैं कि अलग नहीं करते। मैं आपको एक उदाहरण कोट कर देता हूँ जी, जब उन्होंने श्री रामचरित्र मानस जी पर जी बयान दिया था, मैं स्वयं उनके पास गया था, मेरे पास वीडियो भेज दूंगा जी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं श्री रामचरित्र मानस जी का सम्मान करता हूं और चलिए मैं दिखाइए, देखिए वो पूज्य स्थान पे रखा हुआ है जबकि मैं बौद्ध हूं जी। तो वो हम इस बात का अपने स्तर पे
हम जाके कह सकते हैं, अभी तो हम है नहीं, लेकिन जब हम लखनऊ जैसे आएंगे पहुंचेंगे जी, इस विषय पे भी जाके कहेंगे, क्योंकि ना तो कानून संबंध है ये जी। अब फिर कहा था क्योंकि जब जब भी आएंगे तो हम खाली एक व्यक्ति पे नहीं आएंगे। अच्छा, विवेक जी ने कहा कि हनुमान जी के बयान का सेटलमेंट हो गया। अच्छा, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता महोदय, उन्होंने भी कहा ऐसा नहीं हुआ है। हाँ। इस पे एक परिवाद दाखिल है मुरादाबाद पे, बिल्कुल है, मुख्यमंत्री जी पे जी। अब वो परिवाद चल रहा है, इसकी कॉपियां सब मैंने आपको भेज दिया हुआ है जी। उन्होंने मेरे ऊपर आरोप भी लगा दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, इसका परिवाद दाखिल है मुरादाबाद में चल रहा है जी। वो परिवाद अभी खारिज भी नहीं हुआ है जी। मुख्यमंत्री जी पे परिवाद चल रहा है मुरादाबाद के कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में लीजिए। और जो 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 डिप्टी सीएम जी ने बोला था उस समय के जी, उन्होंने माफी तो मांगी थी, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ था, मुकदमा में अभी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी हुई है जी। तो मुझे लगता है, फिर मैं कह रहा हूँ, भाई बोले पुरानी बात है, धर्म धर्म को अलग कर देना चाहिए राजनीति से जी, धर्म को राजनीति से अलग कर देना चाहिए। और इसको इसपे ईसीआई जब कर्म उठाने चाहिए, कड़ा स्टेप उठाएगा, माने बाबा कुछ बोल रहे हैं, संभव होगा, नाराज हो गया। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बार बार कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी ने गलत बयान दिया तो हम इसलिए, तो क्या इसका मतलब दुनिया में जो जो गलत काम करे उसी से प्रेरणा ले रही है क्या सपा सरकार? लीजिए आप बीजेपी, कोई लोग गलती कर दे तो उसको ये अपना प्रेरणा स्रोत बना के वही गलती करेंगे, ये बताइए, या उसको सहज सुधारेंगे? बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं रविन भाई? बीजेपी ने अगर गलती की, उन्होंने बयान दिया तो आप लोग वही करेंगे? ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप अपने को महामंडलेश्वर कह रहे हैं, हाँ, तो जो प्रभु श्री राम का अनादर किया जी, माता सीता का अनादर किया जी, और जो जो रुद्र अवतार हनुमान जी का अनादर किया, अच्छा, उस पर आपको टिप्पणी करनी चाहिए थी जी, बल्कि उलट आपने, जिसने हनुमान जी पर टिप्पणी की, आपने भी हनुमान जी को दलित कह दिया, जबकि दलित जैसा तो शब्द नहीं था, जो दस करे सो दस बचा, क्योंकि हनुमान जी माने जाते हैं सारे युगों में रहे हैं, तो धर्म के विधान हनुमान जी थे। चले रमन भाई बोला तो है भाई, रमन भाई, रमन भाई उन्होंने बोला तो है, जो जो उल्टा बोले उसका पेट दर्द करेगा, बोल तो चुके हैं, क्या चाहते हैं आप? ऐसी बातें कर, ये जो बातें करते हैं वो धार्मिक अंधता फैलाते हैं और धर्म धर्म का व्यवसाय करते हैं इस प्रकार की व्यवसाय मत बोलिए भाई, धर्म का व्यवसाय मत बोलिए। अब आप यहाँ पे ना, अब रविंद्र जी, अभी अभी आप एक बात और भी कह रहे थे रविंद्र जी कि धर्म अलग है राजनीति अलग है। अब एक बात देखिए, बीजेपी के बारे में यही लोग कहते थे, बारी बारी बोले, बारी बारी कहती है, रविंद्र बोल रहे हैं आपकी बात, बाबा कुछ बोलना है, दर्द होगा जी। तो ये कह रहे थे कि बीजेपी वाले कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, हाँ, तो उसने डेट भी बता दिया, मंदिर भी बना दिया, तो कैसे हम उसको गलत कहें? और आप भी कह रहे थे जनता बताएगी, जनता ने तो दो दो बार बता दिया, चलिए अब क्या चाहेंगे? चलिए बोलिए। चलिए मैं दूसरी बात कह रहा था कि पेट में जिसके भी दर्द होगा वो डॉक्टर के पास ही आज के जमाने में जाता है जी, वो प्रथा भी खत्म हो गई, बबूत की, लवांग की, मजारों पे, और क्या नाम है, नहीं हुई। का आज भी चल रहा है, तो जस करे इस पर चाहे जैसी हो गया, हो गया, विवेक बोलेंगे, विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे, विवेक भाई, भाई आप लोग अपने बयानों पर चर्चा नहीं करते, दूसरे बयानों पर हंगामा करते, गलत बात है भाई। जी हमने सारे बयानों पर चर्चा की, सारे बयानों पर जवाब दिया है। अच्छा, रविंद्र जी को एक आदत है कि इनका रटा रटा बयान, बोले सेटलमेंट हो गया है योगी जी के बयान कोई, हमने कभी नहीं कहा सेटलमेंट हो गया, हमने कहा हनुमान जी पे जो बयान योगी जी का ये लोग बार बार कोट करते हैं उस पे तमाम चर्चाओं में मैंने बता दिया है कि कभी भी योगी जी ने बजरंग बली को दलित नहीं बताया है। अच्छा, आप उस लाइन को फिर रिपीट कर दे, मैं उसका फिर अर्थ समझा दूंगा। अच्छा, प्रवीण जी ऐसे प्रकरणों में जानबूझ करके नादान बनने की कोशिश करते हैं और आक्षेप लगा करके स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, विषय आज कोर्ट में दर्ज, जो कोर्ट में, अरे यहाँ पर आरोप आपको लग रहा है, आप बचा रहे हैं बे भाई, यहाँ पर आरोप, यहाँ पर विशेषक लगा रहे हैं, आरोप लगा दिया, आप बचा रहे हैं उसको जी। अरे जो महिलाओं पे आरोप लगा था हमारे ऊपर क्यों लगाएगा? ये जो जो विवेक जी कर रहे हैं, एक दिन मुरादाबाद चले जाए, स्वामी प्रसाद को बयान है, अगर मैं उसे नेवला कहता हूँ तो इनको दिक्कत है, वो खुद को नेवला बताया है, तो क्या दिक्कत है? वो खुद को नेवला बताता तो कहते ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वो अपने आप को नेवला कहे तो सही,
हम नेवला कहते हैं, उनको बुरा लग जाता है। अच्छा, एक तरफ कहते हैं कि भाजपा से इम्प्लांट हुआ है, एक तरफ कहते हैं कि राष्ट्रीय महासचिव। तो यहाँ तो दो लोग बोल रहे हैं भाजपा इम्प्लांट हुआ है, दो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भाई जो लोग बोल रहे हैं जी, तमाम प्रकरणों में उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जारी है, कानून अपना काम करेगा। हम कानून को वायदे करने वाले लोग नहीं है। कानून त्रिपाठी बोल रहे हैं विवेक भाई, भाई ये बताइए, हाँ, दीपावली के शुभ अवसर पर जी ऐसा बयान आता है इस आदमी का जी, और शांत है और सरकार शांत बैठी है। अरे इसको खींच के लाई होती उसके बाद ना होता कि सनातन धर्म की रक्षा वाली लेकर सरकार है जी। हाँ, कहाँ सरकार है ये? भगवान राम को गाली जो देता है उसको भी अपने अपने पार्टी में लेती है। लीजिए, अभी जो बात हुई ना लेकर के डिप्टी सीएम की एक्स जी, वो क्या बोले थे जी, आज वो कहां पे हैं? तो आपके यहाँ के देखिए, आप लोग भी ना दूध के धुले हुए नहीं हैं। देखिए पहली बात समझ लीजिए, दूध के धुले हुए नहीं है विवेक भाई आप। नहीं, बिल्कुल दूध के धुले हुए बिल्कुल नहीं है, दूध के धुले हुए। समय का खेल है, सत्ता आपके हाथ में आज है, वो चाबी आपके हाथ में है, तो हम लोग यहाँ बैठ करके आपकी बात सुन रहे हैं। देखिए समाजवादी पार्टी के अंदर भेज करके आप लोग वहां पर नेवले को, जिसको आपने कहा है, और आज ऐसी बातें हिंदू समाज के अंदर लाई जा रही है, सुनवाई जा रही है। अच्छा। और हिंदू चुपचाप सुन रहा है, क्या सुन रहा है? वो सोच रहा है सरकार है हमारी। अच्छा। सरकार नहीं उसकी है। अच्छा। गलत फहमी में है वो। अच्छा ठीक है, बेवजह जवाब दीजिए, कार्रवाई नहीं कर रहे आप लोग, तमाम तक बड़े बयान दिए। देखिए गौरव जी, मुकदमा दर्ज कराने तक हमारा काम होता है, उसके आगे काम विवेचना का और कानून का होता है। करते रहिए विवेचना। इसके ऊपर तमाम मुकदमे लिखे गए हैं। अच्छा। कार्रवाई चल रही है, ऐसा नहीं कार्रवाइयों से बच जाएगा। अच्छा। इसने जो जवानी दिवाली के दिन की है जी, उससे सभी हिंदू समाज के लोगों की भावनाएं बुरी तरह आहत है, आपकी सब लोग उद्वेलित है, हमारी भी आहत है। हम भी इस घटना से बहुत, इसकी वक्तव्य कोई टिप्पणी करता है तो तुरंत उठा लिया जाता है, ये टिप्पणी क्या क्षमा योग्य है क्या? आईपीसी में नहीं आती क्या? नहीं, अच्छी टिप्पणी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये टिप्पणी क्षमा योग्य नहीं है जी। ये दंड का पात्र है, जिस तरह से भी महामंडलेश्वर जी कह रहे थे उसी तरह के दंड का भागी हो। अच्छा, ये दंड से बच नहीं पाएगा, इस तरह से वक्तव्य लगातार दे रहा है जी। इसको दंड तो कानून देगा, कानून नहीं देगी तो प्रकृति दे देगी। अच्छा, इस तरह की ये बदजबानी कर रहा है, ये अपने दंड से बच नहीं पाएगा। अच्छा, बच नहीं पाएगा। अच्छा हाँ, जिस तरह से बहुसंख्यक समाज के ऊपर एक कुठाराघात कर रहा है, लगातार इसका आदि हो चुका है, और ये सारा काम अखिलेश यादव जी के इशारे पे कर रहा है। उन्होंने लगा दिया, अभी आप बोल रहे हैं तो सकता है जी। नहीं नहीं, देखिए जिस तरह से उन्होंने इसको MLC से राष्ट्रीय महासचिव बनाया और लगातार ये बदजबानी कर रहा है, ये कैसे आप कह देंगे कि अखिलेश यादव का इसको संरक्षण नहीं है? अच्छा, जो लोग बता रहे हैं कि ये भाजपा द्वारा भेजा गया, फिर क्या समाजवादी पार्टी अगर हम समाजवादी पार्टी को चला रहे हैं तो RLD फिर गठबंधन उनसे काहे करके घूम रही है? ये सब बेहूदी बातें हैं। अच्छा। ये सब विषय को टारगेट को डिरेल करने की कोशिशें हो रही है। जबानी लगातार होती जा रही, बढ़ती जा रही है, और उसपे अखिलेश यादव का उनको संरक्षण है। ठीक है, मैं संरक्षण तो उनको जो है सरकार के है आपके। अखिलेश यादव क्या कर लेते? चले ठीक है, अखिलेश यादव क्या कर लेते? रजनीकांत जी बोलेंगे, अगर FIR दर्ज हो जाता, उठा करके आ जाते, अखिलेश यादव क्या कर लेते? ठीक है रविन भाई, यहाँ पर रजनीकांत जी बोलेंगे। रजनीकांत जी देखिए, ये बात सही है जी, और मेरी मुझे उम्मीद है कि अखिलेश जी इस पर विचार जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा जी। अभी रविंद्र जी ने भी उनकी बातों पर कहा कि मैं भी उससे एग्री नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से बयान आए कि उनका पर्सनल बयान हो सकता जी, है जी, कोई पार्टी में उनके उसमें नहीं जी, जी। बेहूदगी बातें ये नहीं है जी, बेहूदगी बातें ये है कि जो आप कह के मुकर जाते हो वो बेहूदगी बातें वो है, बिल्कुल जिसको आपने कहा कि बेहूदगी बातें हैं जी। तो पहले तो आप शब्दों का चयन करिए, शब्दों चयन करिए। तो आप जो है जो कहते हो कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी का पर बर्चा हो गई, बजरंग बली पर चर्चा हो गई, जिसको जिसने भगवान राम को कहा, तो ये बेहूदगी बात, बली को दलित नहीं बताया, बार बार चर्चा में जवाब दे चुका हूं। सुनिए सुनिए, ये समझ में नहीं आता तो आप समस्या है। सुनिए ना, ये बेहूदगी बात, लाइन बार बार कोट करना है, आपको जवाब समझ में आता नहीं है। सुनिए, ये बेहूदगी बात, ना तो आप लोग धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनिए
एक संत के ऊपर आपको टिप्पणी करने से परहेज तो होता नहीं। अभी आपने महामंडलेश्वर के ऊपर टिप्पणी कर दी। नहीं नहीं, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई टिप्पणी कोई नहीं की, मैंने कोई टिप्पणी, आप बिलाव जा बात करो, महाराज जी के ऊपर टिप्पणी कोई नहीं किया। अरे सुनिए विवेक जी मेरी बात, महाराज जी को टिप्पणी नहीं, महाराज जी सुनिए विवेक भाई, महाराज जी की टिप्पणी कोई नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं किया, भगवान पे टिप्पणी करना, साधु संतों पे टिप्पणी करना भाजपा भाजपा का चरित्र है। जेल में था, आप कहते हो कि हमारा काम है मुकदमा लिखवा देना, जिनके घर पे बुलडोजर बिना मुकदमे के चलवा दिया आपने, केवल एक हल्के FIR पे, वो क्या था जी? वो क्या था? ये तो पूरे समाज पर कलंक, बुलडोजर चला है सब, नहीं ये पूरे समाज के कलंक की बात किया है इस आदमी ने, आप क्यों नहीं चलवा देते? समाजवादी जानकारी का अभाव है। सुनिए, हर समाजवादी गठबंधन, मैं होते हुए भी कह रहा हूँ कि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं तो समाजवादी गठबंधन में हूँ ना जी। आप कह रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, आपने मुझे लटक का घटक भी कहते हैं, मैं उस घटक का होके कहता हूँ, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या उखाड़ लिया आपने, क्या कर लिया? भाजपा से डायरेक्ट हो रहे हैं तो आप उन घटक में क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं फिर? किस बात की घटना? सरकार में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सरकार में? अगर सरकार निष्क्रिय है, किसी काम की नहीं है, हम तो छोड़िए सरकार को, आप तो झूठे मारते हैं। आप लोगों से सबका संभल नहीं रही है, सरकार छोड़िए विवेक भाई, तो कह रहे चला रहे हैं, जूता मारने वाला बयान दे रहा है। देखिए हम तो कह रहे हैं शब्दावली से, देखिए यहाँ बोलने से कोई काम नहीं चलने वाला। अभी तक वो अगर खींच के आ गया होता तब समझ में आता। गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, परहेज उनकी बेटी आपका सांसद, सांसद में आप बैठे हो। नहीं सुनिए तो, हमें बता रहे हो बेटी आपकी सांसद और आप कहते हैं कि बबूल पैदा हुआ। अरे सुन रहे आप लेके बैठे हुए हो, जब जब टिकट दिया था तो स्वामी प्रसाद मौर्य राम राम जब रहे थे, बात स्वामी प्रसाद मौर्य की हो रही है और ये पूरे भारत के हिंदू समाज का अपमान है जी। ये कैसे आप बर्दाश्त कर रहे हो? आप तो बड़े भारी हिंदू के नेता बनते हो जी। आप तो कहते हो कि मैं ही सब किया, नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, ढकोसले बाज हो होते तो अभी तक उसकी दुर्गति हो गई होती। बात कर रहे हो जी, हिंदू के नाम पर बात किया मंडलेश्वर ने जी। एक मिनट समझ, हम उनकी बात से जो है ठीक है, वो हिंदू की बात करते हैं, उन्होंने हिंदू की बात की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप तो नेतागिरी कर रहे हो लीजिए, आप तो देश भर के झूठ परोस रहे हो लीजिए, ये गलत बात कर रहे हो। देख सकते झूठ, स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई करिए जी, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सपा के गठबंधन में होते हुए आपसे मांग कर रहा हूँ, करिए कि आप करिए कार्रवाई। ठीक है, ठीक है, मैं महामंडलेश्वर बाबा को लेता हूँ। मारे बाबा कुछ बोल रहे थे जी, बोलिए। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक सभी लोग अब राजनीतिक बातें कर रहे थे, लेकिन एक बात और है कि इस प्रकार का बयान किसी को नहीं देना चाहिए जिससे धार्मिक भावनाएं आहत। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार कर रहे हैं अति निंदनीय है, और बीजेपी के बारे में जो आरोप लगा कि उनके द्वारा इम्प्लांट किए गए हैं, यदि बीजेपी कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो सचमुच यही माना जाएगा कि अगर ऐसा नहीं इम्प्लांट किए तो यही माना जाए। और मैं सरकार में, चूंकि बीजेपी सरकार में है तो उसी से मांग करेंगे हम, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति पर जो समाज का सौहार्द बिगाड़ रहा है और गलत बयान कर रहा है, हमारे धर्म को बार बार आक्षेप लगा रहा है, लांछित कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, गजेंद्र भाई कुछ बोल रहे थे आप। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ इस चीज को, बाबा धर्म पर बयान देने के लिए धर्माचार्य होते हैं जी, क्या बात, ये कोई धर्माचार्य नहीं है, पहली चीज, बहुत अच्छी बात, ठीक जी। ये दूसरी चीज, हिंदू नहीं है जी, ठीक, बौद्ध है, अच्छा। हम कोई उस पर बयान नहीं दे रहे हैं जी, ठीक। आप देखिए, तमाम धर्म हैं, उनके में धर्माचार्य हैं और वही बयान देते हैं जी। कोई चीज अगर किसी को समझना है, कई बार देखिए, कई बार डिबेट में भारत के तमाम विद्वान ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे पास आए, हमसे आकर के प्रश्न करें, उसका हम समुचित उत्तर देते हैं, बिल्कुल, कि यह ऐसा नहीं लिखा है या ये ऐसा नहीं हुआ है, ठीक, अच्छा। लेकिन बोलना है, क्योंकि मुंह में कीड़े हैं, एक बोलना है किसमें, मीडिया में रहने के लिए जी, और मीडिया में रहने के लिए उनको बोलना है और नुकसान करना है समाजवादी पार्टी का जी, वहां बैठाए गए हैं उसी लिए वो, अच्छा, कि समाजवादी पार्टी को जब तक हिंदू विरोधी साबित न कर दो तब तक वहां रहना, अच्छा, आज जब साबित हो जाए तो आ जाना। तो महारे बाबा जो बोल रहे थे वो बात सच है क्या?
ऐसा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, महादेव बाबा भी जानते हैं, समाजवादी पार्टी भी जान गई है अब। अच्छा, क्योंकि कोई व्यक्ति लगातार बयान थोड़े ना देता है। अच्छा, एक बार गलती हो गई फिर रोका क्यों नहीं जा रहा है? रोका, अरे अब उन रोकने के लिए आप ये देखिए ना, जो जो कल के डेट में उनके समर्थन में आकर के यहीं पर डिबेट में पर्चा लेके लोग आते थे कि ये देखिए ढोल गवार शूद्र पशु नारी लेके आते थे ना लोग ना। अच्छा। भले उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई जानकारी नहीं, लेकिन लोग लेके आते थे कि ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, क्या था उसका संदर्भ, इससे कोई मतलब नहीं है किसी को, बिल्कुल संदर्भ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको लोग लेके आते थे। लेकिन अब इसी डिबेट में, चाहे टीवी चैनलों के जितने भी डिबेट में देख रहा हूं, किसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कोई भी व्यक्ति ठीक अब सामने आने को तैयार नहीं है समाजवादी पार्टी। ठीक है, ठीक है, बेस्ट हूँ। आखिर स्टूडेंट डीजे ये भाई, यहाँ पे महादेव बाबा भी बोले हैं कि अगर आप लोग कार्रवाई नहीं करें, इसका अर्थ ये है कि आप ही के द्वारा इम्प्लांट किए गए। यहाँ पर तो आपको डिबेट में यहाँ पर बताना चाहिए, बोलना पर यहाँ पर जैसे बयान आ रहे हैं, लोग आपसे आप पे ही प्रश्न उठा रहे हैं कि आप द्वारा ही इम्प्लांट किए गए हैं, अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनको संरक्षण देने का काम बीजेपी कर रही है जी, सरकार कर रही है आपकी। देखिए गौरव जी, इस तरह के जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो कानूनी प्रक्रिया से वाकिफ नहीं है। कानून अपना काम करेगा, ये भी जेल जाएगा, इसकी दशा आजम खान वाली होगी, से गाजियाबाद से उठा लिए जाते हैं, इसकी भी दशा आजम खान वाली होगी। इसी तरह की जवानी की किसी समय आजम खान भी जाने जाते थे, आज जेल में अपना समय काट रहे हैं, ये भी अपना समय कटवाएंगे। बोलो आप इसको भी लेकर के जेल में डालेंगे, आजम खान से पूरी देंगे, बिल्कुल जाएगा, जेल जाएगा, बोलिए इसको, बिल्कुल जाएगा, जूते खा के जेल जाएगा, चले ठीक है। रमन भाई, आप पिछड़ों की राजनीति, आखिरी स्टेटमेंट आपका, पिछड़ों की राजनीति करना है आपको, केवल करना है वही वोट के चक्कर में। रमन भाई आखिरी स्टेटमेंट आपका। देखिए, अरे कोई पिछड़ों को ना गोली है तो जाके समाज को देखा हार के आया है जी, अपने समाज को देखा हार के आया है, राजनीति करना है आपको, कोई नेता होता नहीं है। चलिए बोलिए बोलिए विवेक, अपने समाज का नेता नहीं है। रमन भाई बोले, रमन भाई बोले जी, बोले किसी जी, अगर मूल धर्म के बाद से जी किसी ने विवेचना की है जी, तो आचार्य शंकर ने किया है लीजिए, और आचार्य शंकर ने अपने नाम के साथ और अपने पीठ के साथ में आचार्य शब्द लगाया जिससे कोई उनको भगवान न साबित कर दे। क्या बात, इसीलिए उन्होंने आचार्य शब्द लगाया था जी, फिर उसके बाद संविधान बना जी। इन तीनों विमर्श में, चाहे वैदिक धर्म के ग्रंथों में जाइएगा जी, चाहे आचार्य शंकर द्वारा लिखे गए विचारों में जाइएगा, चाहे राजनीति में जो हमने संविधान लिखा है राजनीतिक प्रक्रिया में जी, सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन स्वच्छंदता का अधिकार नहीं है, कोई एक दूसरे के धर्म पर आरोप नहीं लगा सकता है। बिल्कुल सही, अगर लगाए तो निश्चित रूप से सरकार को और कानून को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या रोक लगवाएंगे इनके बात बयानों पर? तमिल भाई, मैं तो मैंने उदाहरण दे दिया, पिछली बार भी किया था, इस बार भी जाऊंगा और वीडियो आपके पास भेजूंगा। सपा प्रमुख रोक लगाएंगे, बोलेंगे बयान रोकने को लिए इस तरह के बयानों को, इस प्रकार के पे कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो सरकार के पास है, उसको करना चाहिए। ठीक है, आप बताइए इससे ज्यादा अस्पष्ट, हाँ अस्पष्ट कैसे कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है, हो गया। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर थी, पर इन बयानों के बाद जिस तरह से यहाँ चर्चा में चर्चा हुई कि अगर वास्तव में इस तरह के बयानों को संरक्षण मिल रहा है तो यहाँ पर लोगों का कहना है वो बीजेपी दे रही है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने स्वयं कहा है कि अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो आप कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। हम लोग पहले बता चुके हैं उनके व्यक्तिगत बयान हैं, और अगर जिस तरह से यहाँ पर महादेव बाबा ने भी कहा है और रालोली प्रवक्ता ने भी कहा है कि अगर इस तरह के बयान दे रहे हो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ कार्रवाई पर संशय है, क्या ऐसा तो नहीं ये इम्प्लांट किए गए हैं? अब यहाँ पर इम्प्लांट किया गया है या जानबूझ के बयान दे रहे हैं, या ये समाजवादी पार्टी की सूची समझी नीति है, या सपा प्रमुख की मौन सहमति है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जानते होंगे, पार्टियाँ जानती होंगी और लोग जानते होंगे जो इस बयानों से जुड़े हुए हैं, पर यहाँ जनता जरूर जानती है कि उनके मुद्दों को छोड़कर यहाँ सब मुद्दों पर बयान आ रहे हैं, चर्चा हो रही है, पर जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। जनता जनार्दन है, वो अपना रूप केवल और केवल चुनाव में दिखाती है, और जब वो रूप दिखाती है तो बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती हैं, बड़ी बड़ी सरकारें बन जाती हैं। अभी रूप 24 में किस तरह होने वाला है, परंपरा बढ़ाएगा या परिवर्तन करेगा, वो आने वाले समय बताएगा, पर एक बात तो स्पष्ट है, इस तरह के बयान से विपक्ष को कुछ मिलना नहीं है, बल्कि जो स्थिति कर्नाटक में बयानों के बाद प्रवक्ता सपा ने बताई थी
वो स्थिति यहाँ पर विपक्ष की भी हो सकती है अगर इन बयानों का सिलसिला जारी रहेगा और जनता के मुद्दे छोड़ बयानों पर बयान आते रहेंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।